अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम टू अ न्यू वीडियो स्टार्टिंग फ्रॉम द बर्बरी गोड्स। अस्सलामुअलैकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम आशिम भाई। बर्बरे भी काफ़ी अच्छे तैयार हुए माशाल्लाह। अल्लाह का एहसान है, शहंशाह नासिक का करम है। सो ये जो बर्बरे हम देख रहे हैं, क्या वजन पे आए थे आपके फार्म पे? ये बर्बरा जो है ये आया था करीब करीब 30 किलो पे। अल्लाह का एहसान है, अभी 70-75 पे चल रहा है बकरा। वो ये आया था थोड़ा वेट पे 50 किलो पे आया था, लेकिन इसकी जोड़ी का पिछले बरस में कुर्बानी को काट लिया तो 6 महीने तक तो ये बकरा सेट नहीं हुआ। उसके बाद में गेन हुआ तो अभी 70-75 पे ये भी बकरा है। जबरदस्त जोड़ी है ये, अल्लाह का एहसान है। ये 4 लाख का बकरा है, 6 लाख तो एक साल और पलटी मार सकते हैं इंशाल्लाह। जरूर आपको लगता है कैपेसिटी है इनमें? जी 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 बिल्कुल बिल्कुल। यंग बच्चे एकदम, छोड़ने के बाद इनका चंचलपन भी बता देंगे आपको। खाने पीने में कैसे हैं? जी एकदम आपके सामने रिजल्ट है भाई, भराई का तो यहाँ कोई शॉर्ट नहीं है। कुछ भी बिल्कुल सेमी भराई भी नहीं? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। क्योंकि ऐसे बर्बरे बनना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है खुद का। नहीं 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 भाई, अपने वहाँ अपन दाना रख के बता देंगे कैसा खाते हैं। सही है, तो जिसको भी चाहिए कॉन्टेक्ट, क्योंकि उसकी तो बगली वगली भी बन गई है। जी 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 बिल्कुल। अगर ये बीमार नहीं पड़ता तो अभी कुछ क्या कुछ रहता था ही। सही है, तो ये 2 बकरों के बाद में और भी 2 बकरे आपको दिखाते हैं। ये भी काफ़ी आपके मतलब पसंदीदा ही बकरे बोलूँगा मैं। जी 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 जी। ये तो आपके घर पे आई थिंक पैदा हुआ? ये घर पे पैदा हुआ, ये ओरिजिनल बर्बरा नहीं है। इसकी माँ बर्बरी थी और इसका बाप देसी था। इतना फिट सीने का बच्चा, मैं बड़ी बात तो नहीं कर रहा हूँ, मैं देखा नहीं बहुत दिन से। जी जी जी, 80 किलो बच्चा है अभी, एकदम नाटा है। हाइट इसकी मेरे हिसाब से बहुत कम ही है। कम है, कम है। सीना सीना देखो उसका, और 4 दांत के बकरा है। पूरा रवास वाले जानवर है। देखो आशिम भाई, फ्रेश 4 दांत। घर का ही बच्चा है माशाल्लाह। कोई एक साल पाले तो भी अच्छा रहेगा। आराम से रहेगा। और ये बकरे की भी एक स्टोरी ऐसी है, ये मेरे यहाँ मोहरम की नेस के लिए आया था, लेकिन मेरे घर में क्वांटिटी मटन की होने के बाद में इसको रख लिया गया। अभी आपके सामने रिजल्ट है। कोई मतलब यकीन भी नहीं करेगा कोई काटने के लिए ऐसा बकरा लाएगा। जी वो आ गया था और सब जो कटे थे वो ऐसे ही कटे थे, लेकिन ये ज़्यादा होने की वजह से ये बच गया था, तो इसके लिए इसको फार्म पे ले। तो ये बकरा कहाँ से खरीदे थे आपने? ये लॉट से आया था अपने सोजत से। एकदम जबरदस्त बच्चा आ गया। आपकी वो एक और स्टोरी वो बताना चाहेंगे लोगों को? आप जी बोलिए। आप देवनार से एक कट्टू बच्चा लाए थे, वो कितना वजन पे गया था आपके? वो आपके यूट्यूब चैनल पे निजाम भाई से बकरे लिया था। निजाम भाई देवनार वाले, निजाम भाई देवनार वाले आप लाइव कवरेज करा रहे थे उनकी, तो मैंने कुछ तो भी 28-30 हजार के बच्चे लिया था वो दो। हाँ। तो जिसमें से एक जो मालवा था सिंह वाला, 130 किलो पे बकरा बैठा था, वो उसका फोटो मैं आपको बताऊँ। लाए थे तो 20 किलो पे था, 20 या 25 किलो पे होगा। और आपने जब कुर्बानी की तो 130 किलो बकरा, फिट एंड फाइन एकदम बकरा, ऐसा बोलेंगे कि इससे डबल बकरा था। दादी डाल दो उसके ऊपर, ऐसा बकरा था, आपको फोटो बताऊंगा। इंशाल्लाह, यकीन नहीं हो रहा है भाई, बहुत बड़ी बात है। आपके चैनल से ही देख के लिया था मैंने। इंशाल्लाह, आइए नेक्स्ट जोड़ी देखते हैं। जी इधर लीजिए। माशाल्लाह बहुत ही शानदार जोड़ी। ये क्या भाई है क्या? ये दोनों भाई है, और ये इनकी स्टोरी भी ऐसी है कि ये जब बहुत छोटे थे ना, तो एक सरी के मतलब मेरे को बहुत पसंद आए थे, तो मैंने ये घर को पालने के लिए लिया था, लेकिन मेरे पास रखने को जगह नहीं था, फार्म पे लेके आया। कहाँ से खरीदे आप? ये अलवर का माल, वहाँ से गाड़ी आई थी इनकी। गाड़ी तो जब ये लाए थे क्या वजन पे थे? अरे 15-15 किलो के बच्चे थे आशिम भाई। आज है 65-70 किलो। अरे ये 75 आएगा ये बकरा। हाँ ये अच्छा है ये। और ये इसकी वजह ऐसी है कमजोर होने की, क्या दोनों भाई अलग हो गए, जुदा हो गए, चेहरा वगैरह सब सेम है माशाल्लाह। और 4-4 दांत के बकरे, 4-4 दांत के बकरे। ये भी नक पे ही देंगे? ये तो नक पे दूंगा, अगर ये अगर 70 के अंदर है तो ये किलो पे दूंगा। क्या रुपए में दे देंगे? क्या चीज़? ये क्या क्या रुपए किलो में? 500 रुपये। 500 रुपये में। अगर ये कोई भी बकरे लेना चाहे तो आप बेचेंगे बर्बरे भी? बिल्कुल। इनको घर का मेरा देसी बच्चा भी देगा। एक बार इनको छोड़ते थोड़ा घूमने थे, सबको एक साथ ले लो भाई। अंडू मत छोड़ो, तो ये सब छोड़ दो। हाँ अंडू को ले जाओ आप। ओहो बर्बरे को देखो, बर्बरे मिलके बड़े बकरों को दे रहे हैं, बाप रे। अरे क्या भगा दिया उसको बड़े बड़े। देखो चंचलपन, बर्बरों की मस्ती देखो। वाह रे वाह 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 मेरे शेर। मतलब ये 2 बर्बरे पूरे फार्म पे बाहर ही है इसका मतलब।
ये देसी बच्चा देखो, वाह क्या स्टाइल है उसका, बहुत यूनिक बकरा है। आराम से रहेगा, एक साल पलटी के लिए बकरा हो। और हाइट देखो उसकी आशीन भाई, फुल नटिया। लो लो आगे, लो आगे, लो आगे लेना आगे। देखो आशीन भाई, अकाल दो दिन जान दो इनको, आपका एक बार नंबर बोल दीजिए 9636339292। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम।